जय हिंद साथियों। साथियों आज हम जो है भारतीय संविधान के ऐसे प्रमुख 10 जजमेंट्स पर बात कर रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। मित्रों इसमें से सबसे पहला जजमेंट है मुरली एस देवड़ा का केस, मुरली एस देवड़ा वर्सेस भारत संघ AIR 2002 का केस। मित्रों इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पब्लिक प्लेसेस पर धूमपान करना निषेध है तथा पब्लिक प्लेसेस पर धूमपान कर हम ऐसे व्यक्तियों को जो कि धूमपान नहीं करते हैं उन व्यक्तियों को दूषित या प्रदूषित हवा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोक स्थान पर धूम्रपान निषेध इस केस में किया। मित्रों अब दिक्कत ये आती है कि इसको याद कैसे रखें, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा मुरली शब्द को आप पकड़ लीजिए। देखिए मुरली जो है बांसुरी को कहते हैं और बांसुरी मुंह से बजाई जाती है, इसी प्रकार से धूम्रपान भी मुंह से किया जाता है, हवा के द्वारा किया जाता है। तो आप मुरली शब्द को धूम्रपान से जोड़ लीजिए। वैसे भी हम अपने मित्रों को जो कोई भी स्मोकिंग करते हैं वो स्मोक करके आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, देखो मुरली बजा कर आ गया। तो मित्रों यहां पर ये केवल याद करने के लिए ट्रिक है कि आप जो है धूम्रपान को और मुरली शब्द को जोड़ लीजिए। तो मुरली एस देवड़ा का केस जो है लोक स्थान पर धूम्रपान निषेध से संबंधित है। मित्रों इसके बाद जो दूसरा केस है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य AIR 1992। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार मतलब कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार में शामिल माना। मित्रों ये केस जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब इसको याद कैसे करें, तो मित्रों ध्यान दीजिए शिक्षा किसके लिए होती है, शिक्षा होती है मित्रों बच्चों के लिए, और बच्चे इतने मासूम होते हैं कि अगर उनके चेहरे पे देखें तो हम जो है मोहित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों शब्दों को पकड़िए, हम मोहित हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षा का अधिकार जो है मोहिनी जैन के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में शामिल माना। तो ऐसे आप ध्यान रखिए बच्चों का चेहरा मोहिनी चेहरा होता है, मोहित कर लेता है, इसीलिए मोहिनी जैन के केस में यह बतलाया गया। मित्रों इसके बाद जो तीसरा केस है हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार गृह सचिव का, इस केस ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो बंदी हैं जो जेलों में बंदी हैं उनको शीघ्र विचारण और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों इस केस को याद हम कैसे कर सकते हैं। देखिए मित्रों बहुत मतलब मजाक मजाक में हम याद कर रहे हैं कि हुस यहां पर हुस्न आरा को आप ऐसे कर लिए हुस्न समझ लीजिए और जो हुस्न के पीछे भागेगा वो बंदी बन जाएगा, जो हुस्न के पीछे भागेगा वो बंदी बन जाएगा, और ऐसे बंदी को शीघ्र विचारण भी चाहिए और विधिक सहायता भी चाहिए। इस तरह से आप तुकबंदी कर लीजिए, आप इस केस को भी बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। मित्रों अगला महत्वपूर्ण केस है जो कि परीक्षाओं में हजारों भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955। मित्रों इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 13A मतलब आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के रूल को प्रतिपादित किया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कई बार पूछा गया है, इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल सा है। देखिए मित्रों आच्छादन को हम ऐसे याद रख ले अच्छादान, ध्यान दीजिए शब्दों को पकड़िए मित्रों अच्छादान। अगर अच्छादान किसको किया जाता है, भिखारी को, तो ऐसी कंडीशन में ये है भिखाजी, तो भिखाजी को अच्छादान से जोड़ लीजिए। ऐसे आपको कभी नहीं भूलेंगे कि अच्छादन का सिद्धांत भारत के संविधान के किस या किस केस में जो है आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कई बार। मित्रों अगला केस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लचमा देवी। ध्यान दीजिएगा मित्रों इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पब्लिक प्लेस पर या हम कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार को घोषित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं लगाई जा सकती और हर व्यक्ति को इसके विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। मित्रों इस केस को कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिए आप इस लचमा शब्द को पकड़ लीजिए, लचमा देवी, देखिए गर्दन लचीली होती है और फांसी गले में लगती है, तो ऐसी कंडीशन में लचमा देवी के केस में
सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार को बतलाया गया। तो इस तरह से आप जो है इंजॉयफुली इसको याद कर सकते हैं। मित्रों तो अगला इंपॉर्टेंट केस है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन AIR 1980 का केस। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हथकड़ी लगाना जो है अगर कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है, अपने आप को सरेंडर कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, और अगर हथकड़ी लगाते हैं तो वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है आएगा। तो मित्रों इस केस को कैसे याद कर सकते हैं कि प्रेम शंकर शुक्ला के केस में हथकड़ी लगाने के मामले में निर्देश दिए गए थे। तो मित्रों याद करने का बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जो प्रेम करेगा उसको हथकड़ी लगेगी, जो प्रेम करेगा उसको हथकड़ी लगेगी, और हथकड़ी लगी तो शंकर आएंगे बचाने के लिए और उसकी हथकड़ी खुलवाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए प्रेम शंकर शुक्ला के केस में हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार को जो है घोषित किया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। मित्रों तो अगला केस है बहुत ही महत्वपूर्ण केस, कई बार पूछा गया है, दीना वर्सेस भारत संघ का केस AIR 1983 का केस। मित्रों इस केस में क्या कहा गया कि जेल के अंदर जो कैदी हैं उन्हें बिना उचित पारिश्रमिक दिए अगर उनसे काम कराया जाता है तो वह बलात्श्रम होगा, वह संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत उल्लंघन होगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि जेल में जो कैदी हैं उनको कुछ ना कुछ पारिश्रमिक तो मिलना ही चाहिए, अन्यथा आर्टिकल 23 का वायलेशन होता है। अब यहां पर इसको याद कैसे करें कि भाई दीना के केस में जो है बलाश्रम से संबंधित बात कही गई, आर्टिकल 23 संबंधित बात कही गई। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोग जो कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते और जो जिनसे बलाश्रम कराया जा सकता है वे लोग दीन होते हैं। दीन मतलब ऐसे लोग जो कि अपनी रक्षा नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में दीना के केस में बलात्श्रम से संबंधित बात कही गई कि वह आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। यहां पर आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए मित्रों अगला केस। मित्रों अब बात करते हैं 8वें नंबर पर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया। मित्रों इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उन्हें तीसरे लिंग के रूप में पहचान दी गई। ध्यान दीजिएगा मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे भारत में एक नई कह सकते हैं कि ऊर्जा या नया लिंग के रूप में स्थापित किया। तो यहां पर जो है ट्रांसजेंडर्स को जो है तीसरे लिंग के रूप में जो है पहचान दी गई थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। मित्रों इस केस को याद करने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, नेशनल का एन और एन के बाद जस्ट क्या आता है, टी। तो टी में ट्रांसजेंडर्स, मतलब इसको ऐसे लिंक कर लीजिए कि एनटी जो है नेशनल लीगल सर्वे अथॉरिटी को रिलेट करेगा और यहाँ पर टी से ट्रांसजेंडर्स। तो इस तरह से आप इस केस को भी याद कर सकते हैं। देखिए मित्रों अगर आपकी याद करने की क्षमता ग्रॉसिंग पावर बहुत अच्छा है तो आप इस वीडियो में जो ट्रिक्स देख रहे हैं एक बार में आपको सब याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार में याद नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप दो एक बार अगर आपने रिपीट करके देख लिया या इसको डाउनलोड कर लीजिए, दो एक बार देख लिया तो ये केस आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम में जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा वैसे ही आपको ये वीडियो मेरी बात जो है याद आ जाएगी और आपका एक नंबर जो भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो 100% आपको मिल जाएगा। चलिए मित्रों अगला जो इंपॉर्टेंट केस के बात करते हैं, इंदिरा साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मित्रों, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का केस AIR 1993 का केस है। मित्रों इस केस में जो है क्रीमी लेयर्स की बात की गई। ध्यान दीजिएगा मित्रों ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत भारत में सबसे पहली बार जो है इंदिरा साहनी के केस में प्रतिपादित किया गया। अब इसको याद कैसे रखें, वैसे अगर आप, जहां तक मैं समझता हूँ आपको याद होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो एक हल्का सा एक ट्रिक है कि देखिए भैया इंदिरा साहनी को आप मान लीजिए याद करने के लिए, केवल दिमाग में बैठाने के लिए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और वह इतनी व्यवस्थित रहती थी पूरे मेकअप में। इसका मतलब इंदिरा गांधी जो है अपने चेहरे पर एक क्रीमी लेयर लगा के रहती थी और इसीलिए जो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत को आप इंदिरा साहनी से जोड़ लीजिए कि इंदिरा साहनी के केस में क्रीमी लेयर, इंदिरा साहनी, इंदिरा गांधी, केवल याद करने के लिए, कोई
लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन याद करने के लिए, दिमाग में कनेक्शन बिठाने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। अब मित्रों आखिरी का केस है विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, AIR 1997 का केस। ध्यान दीजिएगा मित्रों, विशाखा का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और अभी हाल ही में हरियाणा की एक IAS अधिकारी जो है, जिन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है, और उनका ये आरोप है कि उनके ऊपर उनके सीनियर अधिकारी जो है यौन शोषण कर रहे थे, और वह उससे व्यथित थी और इसीलिए उनको परेशान किया जा रहा था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या होगा देखते हैं, अभी एक दो दिन में जो भी खबर आएगी। तो मित्रों यहां पर हम बात करते हैं कि कामकाजी महिलाओं को वर्किंग प्लेस पर यौन उत्पीड़न करना जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि हर महिला को अपना जीवन जीने का, काम करने का अधिकार है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है अगर किसी वर्किंग प्लेस पर किसी महिला को यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। अब मुद्दे की बात है कि साहब याद कैसे करें। देखिए मित्रों, जो महिलाएं काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, वह विश्व की शाखाएं हैं। ध्यान रखिएगा कि ये विश्व जो है कई शाखाओं में बटा हुआ है, और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा जो है कामकाजी महिलाएं हैं। तो इसी तरह विश्व की शाखा और विशाखा, तो विशाखा से याद कर लीजिए, विश्व की शाखा जो कि कामकाजी महिलाएं हैं, पूरे दुनिया को यह भी उतना ही सहयोग करती हैं पूरे देश को चलाने में। तो ऐसी स्थिति में कामकाजी महिलाएं जो है विश्व की शाखाएं हैं, और ये शाखाएं राजस्थान तक फैली हुई हैं, और राजस्थान तक फैली हुई है। तो इनके साथ अगर यौन उत्पीड़न किया जाएगा वर्किंग प्लेस पर, तो सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 में यह कह दिया है कि यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट केसेस बताए, और ये वो केसेस हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपने याद कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी, मैं समझता हूँ आपको याद हो गए हो, तो आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और नीचे बेल आइकॉन का एक बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करने का लाभ ये होगा कि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको जो है वीडियो जल्दी, या आपको नोटिफिकेशन से आप वीडियो को जल्दी देख पाएंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारे केवल 10 केसेस मैंने आपको याद कराए, इसके अलावा भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस पब्लिश होंगी जिसमें मैं और भी कई इंपॉर्टेंट केसेस आपको याद कराऊंगा। इसी के साथ मित्रों जय हिंद जय भारत।